आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। निकलने वाले हैं यहाँ से पून हिल की तरफ। पहुंच गए नानगे थांती। सो गाइस, आज हम लोग घोरे पानी में ही रुकने वाले हैं। सो गाइस, हम लोगों को एक होटल मिला है, बहुत अच्छा है। यहाँ वाईफाई के लिए भी चार्ज नहीं करेंगे, रूम के लिए भी चार्ज नहीं करेंगे, बस कंडीशन ये आपको डिनर एंड ब्रेकफास्ट इधर ही करना है। एंड ये रास्ता है पून हिल के लिए, जो कि यहाँ से 45 मिनट की वॉक है। टाइम राइट नाउ 2:19। सुबह हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया था 8 से 8:30 के करीब। हवा बहुत ठंडी चल रही है, वाकई ठंडा है। लकीली मैंने बैकपैक खरीदा था, ये 10 लीटर का बैकपैक है, डिकैथलॉन से ख़रीदा है ऑनलाइन। एंड सबसे बड़ी खासियत इस बैग की है कि इसको हम फोल्ड करके इतना छोटा सा बना देते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है पिक्चर का। नीचे देखिए विलेज, जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुंच रहे हैं व्यू बिल्कुल बदलता जा रहा है। यही तो खासियत है पहाड़ों की। लास्ट टाइम जब मैं केदारनाथ एंड पंच केदार की यात्रा पे था, उत्तराखंड में घूम रहा था, तो तब भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। यानी इस समय हल्की हल्की बर्फ गिर रही है, सो फाइनली स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। एंड ये मेरी ज़िंदगी की पहली स्नोफॉल है। ओके। तो ये स्नो नहीं है, ये कुछ मिनी हेल मुझे इलिया बता रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है स्नोफॉल कैसा होता है, मुझे आइडिया नहीं है। एंट्रेंस टिकट इज 100 रुपी। बट सो हम यहाँ पे पहुँच गए एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रेंस टिकट 100 रुपी। कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहली चीज़ तो ड्रोन अलाउड नहीं है, किसी तरह के थर्मल ये चीज़ें अलाउड नहीं है, और गैस अलाउड नहीं है। अगर थर्मोज पकड़ा गया तो आपको 2000 का जुर्माना होगा, ड्रोन पे 5000 रुपये का जुर्माना, और तीसरी चीज़ है फायर पे 3000 रुपये का जुर्माना। सो ये सब यहाँ अलाउड नहीं है। ओके, सो मैं पून हिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके गाइस, तो मौसम कुछ इस तरह का है, इसलिए हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया। हम लोग यू टर्न कर रहे हैं एंड वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो इस समय इसलिए बता रहे हैं कि जितना आप हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन ऑलरेडी कम होती है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन जब स्नोफॉल होता है तो स्नो और ज़्यादा ऑक्सीजन खा देता है। एंड आगे सब कुछ धुंधला धुंधला, धुंध ने कब्जा कर लिया है पूरे एनवायरनमेंट में। मेरे जूते ठंडे हो गए हैं, ठंडे, अगर मैं चलूँगा नहीं तो बहुत ठंडे हो जाएंगे। नीचे दोबारा मुझे इन्हें सुखाना होगा इस ठंड में। ये ग्लव्स कमाल के काम कर रहे हैं, 99 रुपये के हैं सिर्फ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हालांकि डिकैथलन से है, मुझे कुछ कमीशन वमीशन तो नहीं मिलेगा। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो हम लोग वापस आ पहुंचे हैं घोरे पानी। आई थिंक दिस इज़ द वन, या दिस इज़ द वन। सो गाइस, स्नोफॉल, माय फर्स्ट स्नोफॉल। वाओ, ऑसम। डेफिनेटली इट इज़ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। थोड़ा देर पहले जो देवर हिल्स, स्मॉल हिल्स, बट ये स्नोफॉल है। बट अब मैंने क्योंकि जूते वूते सब अंदर रखे हुए हैं, सो आई विल बी इन साइट। सो गाइज, इस समय हम लोग हैं, विच इज़ द लोकेशन? घोरे पानी। ओके, घोरे पानी में। एंड आज का शाम का हिसाब किताब ये है, यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी कंट्रीज के लोग बैठे हुए हैं, फायर प्लेस है एंड बहुत सारे जूते भी सूख रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 5 जनवरी एंड 7:44 वक्त हो रहा है इस समय, और हम लोगों ने स्टार्ट कर लिए पून हिल ट्रैक।
So yeah, that way. Wait. No, not that way. Let me check. Yeah, this way. आगे आप देख सकते हैं बर्फबारी अभी बंद हो चुकी है, आसमान साफ है, रात को काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, दो रजाई यहाँ हम लोगों ने यूज़ की और अभी जब मॉर्निंग में मैं जूते ये सब पहन रहा था तो जूते बिल्कुल कड़क हो रखे थे। इस तरह का ठंडा एक्सपीरियंस पहली बार कर रहा हूँ। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन नहाया नहीं हूँ अभी तक, बर्फीला नज़ारा। रात के टाइम हाइकर मिले जो जिन्होंने काफ़ी सारी इन्फो हमारे साथ शेयर की है। इसमें मेन चीज़ उन्होंने बताई कि एक्लिमेटाइजेशन बहुत नेसेसरी चीज़ है और आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे ऐसी कोई सर्विस है कि आपको प्लेन के थ्रू सीधे डायरेक्ट आप 3000 फुट पे पहुंच सकते हैं एंड फिर उसका ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आप एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार बन सकते हैं, ऐसा वो बता रहे थे क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रैकर हूँ। ट्रैकिंग के टाइम पे आपको नीचे से स्टार्ट करना चाहिए और पैदल स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, तो मान लीजिए अगर आप हैवी वर्कआउट वाले हैं तो आपका कुछ और हिसाब होगा, कोई लाइट वर्कआउट वाला है उसका कुछ और होगा। सो जो मेथड वो अप्लाई करते हैं एक्लमटाइजेशन का वो है, नंबर वन स्टार्टिंग से पैदल चलते हैं, नंबर टू अप्रॉक्सीमेटली 3000-3500 फुट पे वो जाते हैं, 400-500 फुट नीचे आ जाते हैं ऐसा कुछ वो कह रहे थे, फिर वहाँ स्टे करते हैं, फिर नेक्स्ट डे ऊपर चढ़ते हैं, फिर 500-650 फुट के बीच वो क्लाइंब करते हैं और फिर वापस नीचे आ जाते हैं। इस तरीके से वो कुछ एक्लिमेटाइजेशन करते हैं। वाओ एंड उस तरफ अन्नपूर्णा, टोटली डिफरेंट। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, एंड मैंने परमिट में सिर्फ 5 days लिखवा रखा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ थोड़ा सा और कंटिन्यू करूँ। तो आज मैं पुलिस ऑफिसर्स से बात करने वाला हूँ इस रिगार्डिंग कि परमिट को इंक्रीज़ किया जा सकता है, एंड अगर आप लोग इधर आते हैं तो आप शुरू से ही परमिट को इंक्रीज़ करके रखिएगा, 10 से 12 दिन एटलीस्ट प्राइस में चेंज नहीं आता है, 1000 rupees होता है प्राइस। उस तरफ धूप आ रही है, वाओ। यहाँ पे कुछ लोग एंजॉय करते हुए, हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो। सो फाइनली कल हम यहाँ तक पहुँच गए थे, फिर हमने यहाँ से यू टर्न मार लिया था। It's 1 hour, it's not 2 hours to Punhill. Oh, 2 hours. Yeah, they rode 45 minutes downstairs. Okay. From higher up, right? No, you can see more. Hi. Good morning. How are you guys? Fine. How is the view there? Awesome. Amazing. Awesome. It's very good. Yeah? How are you? All the way is very nice. Yeah? All the okay. Way. Look around, it's amazing. What time? So you guys started at 5:30, yeah? Yeah. Nice. That's cool. Yeah, but even on the way going down, now is the light and all. No, now it's free. You are let free. Otherwise, you need to pay 100 rupees. Yeah. When at 5 o'clock. Yeah. Okay, guys. अगर आप लोग जल्दी आते तो आपको 100 rupees यहाँ पे pay करने होंगे. And late आते तो free. Well done. Let's see. Alright, guys. See you later. तो हम लोग काफ़ी लेट हैं एंड शायद हम लोग पूरा ऊपर तक ना जाएं क्योंकि हम लोगों को आज सारा पानी एक लोकेशन है उधर के लिए निकलना है। आप चलते हैं। ओह माय गॉड, होली क्रैप। ओ भाई, या तो फिसल रहे हैं या फिर स्लाइड कर रहे हैं, डिपेंड करता है, बट जूते फिसल रहे हैं। या मैंने स्नो वाली पैंट के अंदर पजामा पहन रखा है, अब गर्म होने लग गया बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो है स्टेप्स हैं बट स्नो इतनी है कि स्टेप्स नहीं, ये
रोड बन चुकी है, नीचे आज समय बैंड बजने वाली है, इतना तो पक्का है। तो व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओह वाओ, ओके, ज़ू, या स्क्रेच। अब यहाँ से नीचे जाना ही असली चैलेंज है। देख सकते हैं आप क्या खतरनाक तरीके से, यो वरना आज के लिए भी जूते गीले। ओ या झाड़ दो या खू। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सीधी खड़ी सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक के लिए। तो 3210 मीटर्स इज द हाइट ऑफ पुणे। हाय, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ओके गाइस, वी आर हेडिंग बैक टुडे एज वेल। यहाँ से वैसे 20 मिनट्स की वॉक है, लेकिन हमें जाना है टाडा पानी, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे पैरों को टेढ़ा कर करके, ताकि फिसलन ना हो। My shoes have spikes. As I think these shoes were made for snow. Ooh, but we can slip as well. Yeah. Well, yeah. Oh, come on, creep. Look. जबरदस्त. Doggy जबरदस्त है. तो कुछ इस तरीके से मैं नीचे जा रहा हूँ. चार घंटे का रास्ता एंड अभी सीधी चढ़ाई